नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अदिति क्रिएशन में। आज हम आपको ब्लाउज के बूट नेक डिजाइन बनाना बताएंगे। अगर डिजाइन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक से जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाइएगा। ये ब्लाउज का अस्तर है और ये ब्लाउज का कपड़ा है। ब्लाउज की लंबाई 15 इंच है, तैयारी हमें 13.5 इंच रखना है। 32 साइज का ब्लाउज बनेगा, चौथाई भाग हमने 8 इंच लिए हैं, ये फालतू कपड़ा रखे हैं यहाँ। शोल्डर 7 इंच है, आर्म होल 6 इंच है, यहाँ से हमें 3.5 इंच पे निशान लगाना है। गहराई 3.5 इंच है, इस निशान को इस निशान से मिला लेंगे। यहाँ से 3.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से हमें नापना है, ये हमें 11 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हमें यहाँ पे डिजाइन बनाना है, उससे पहले हम इस निशान को इस निशान से मिला लेंगे। अब यहाँ से हमें गोलाई में ले लेना है डिजाइन को। यहाँ से हमें सीधी लकीर खींच लेना है इस तरह से। अब इस वाले डिजाइन को हमें कटिंग कर लेना है, और यहाँ से हमें गोल गला जाएगा इस तरह से, इसे हमें सीधा कटिंग कर लेना है। ये हमने इस तरह से कटिंग कर लिया है। अब इसी तरह हमें मेन कपड़े को भी कटिंग कर लेना है। ये हमने मेन कपड़े को इस तरह से कटिंग कर लिया है। ये 2 कलर का कपड़ा है। अब हमें इस नीचे वाले पे जो डिजाइन बनाना है वो हमें बकरम पे बनाना है। ये हमारा बकरम है, बकरम की लंबाई 10.5 इंच, चौड़ाई चौड़ाई 2.5 इंच है। अब हमें गले का निशान लगाना है, यहाँ से 2 इंच पे निशान लगाएंगे। ये 2 इंच का निशान लगा देंगे। एक इंच में 2 पॉइंट कम हम निशान लगाएंगे नीचे से। इस तरह से सीधी लकीर खींच लेंगे सारे निशान को मिलाते हुए। सारे निशान को इस तरह से मिला लेंगे। इस तरह से हमें गोलाई में लेना है डिजाइन को। अब इसकी हमें कटिंग कर लेना है। ये हमने इस तरह से कटिंग कर ली है, ये इस तरीके से आ जाएंगे। अब इसे हमें कपड़े पे पेस्ट कर लेना है। ये हमने बकरम को इस तरह से पेस्ट कर लिया है। ये सीधी साइड है, इसको इस तरह से हम रखेंगे। पहले यहाँ पे कच्ची सिलाई कर लेनी है। ये हमने इस तरह से कच्ची सिलाई कर लिया है, ये बकरम के किनारे पे सिलाई कर लेंगे। ये हमने इस तरह से सिलाई कर लिए हैं। दूसरी साइड का कपड़ा इसे कटिंग कर लेंगे। ये जो नोक निकला हुआ है वहां पे हमें कट का निशान लगा देना है। अब इसको हमें इस तरह से पलट लेना है। ये हमने इस तरह से पलट लिया है। अब इस पर कच्ची सिलाई कर लेनी है। इस डिजाइन को हमने इस तरह से बना लिया है।
अब ये जो ऊपर वाली डिजाइन है इसे बनाएंगे। ये सीधी साइड है, इसको इस तरह से हमें रखना है। इस किनारे पे बिल्कुल हमें सिलाई करना है। ये हमने इस तरह से सिलाई कर लिया है, और हमें साइड में कट का निशान लगा लेना। इसको हम इस तरह से पलट लेंगे। अब इस गले के किनारे पे सिलाई करते हुए चारों तरफ हमें सिलाई कर लेना है। इसी तरह हमें दूसरे साइड का पल्ला भी तैयार कर लेना है। ये हमने दोनों पल्लों को इस तरह से तैयार कर लिए। अब इसके किनारे, गले के किनारे पे हमें लैस बिठाना है। तो ये हमारा लैस है, इसको इस तरह से हमें बिठाना है। इसी तरह हमें दूसरे पल्ले पे भी लैस बैठा लेना है। ये हमने दोनों पल्लों में इस तरह से लैस लगा ली है। अब इसको हमें नीचे वाले पट्टी में सेट कर लेना है। तो ये पट्टी है नीचे का, अब इसे सेंटर में ला लेंगे। इसको इस तरह से रखेंगे, एक तरफ से हमें जॉइंट करना है। ये हमने इस तरह से सेट कर लिए हैं। इसी तरह दूसरे पल्ले भी हम सेट करेंगे। ये हमने दोनों पल्लों को इस तरह से जॉइंट कर लिए हैं। अब इस डिजाइन के ऊपर हमें लैस लगाना है। इसी तरीके से हमें पूरे डिजाइन पे लैस लगा लेना है। ये हमने लैस लगा ली है, अब नीचे भी पट्टी डालना है। तो ये हमने पट्टी तैयार की है, हम नीचे इस तरह से बैठा लेंगे। अब इसे हमें पक्का कर देना है इस तरह से। अब इसके ऊपर हमें लैस लगाना है। तो ये लैस है, ये हमने पट्टी पे लैस लगा लिए हैं। अब इस डिजाइन में हमें मोती लगाना है। इस तरह से मोती हमें डाल लेना है, यहाँ से हमें लगाना है। इस डिजाइन के बीच में लगाएंगे। इसी तरह हमें सारे डिजाइन में मोती लगा लेना है। ये हमने मोती लगा के तैयार कर लिए हैं। इसे बंद करके यहाँ पे हम बटन लगा लेंगे। ये डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो चुका है। हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा, और डिज़ाइन पसंद आया हो तो लाइक से जरूर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह के नए नए ब्लाउज के डिज़ाइन आप तक पहुँचती रहे।